अगर आप भी स्नैक वीडियो को यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी इस तरह का वीडियो को स्क्रॉल करते हुए देखे होंगे और आपने भी इस ट्रिक को एक बार ना एक बार कोशिश करके जरूर देखे होंगे। तो इस ट्रिक का कितना सच्चाई है, कितना रियल है, मतलब ये ट्रिक रियल है या फिर फेक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा, अगर आप भी इस तरह का वीडियो को बना के स्नैक वीडियो के अंदर हो या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर हो पोस्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फेक है। इस तरह का वीडियो को एडिट करके बनाया जाता है। तो आप भी इस तरह का वीडियो को बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो करना है, इस तरह का वीडियो को बनाने के लिए आपको दो मोबाइल की जरूरत पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही मोबाइल से आप किस तरह से बना सकते हो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना होगा, आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक सबसे बढ़िया और बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना के पोस्ट कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया है बिल्कुल फ्री में आप कैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो को मैं इस वीडियो की आई बटन पे पिन कर दूंगा और इस वीडियो की लास्ट में भी पिन कर दूंगा। तो मैं भी यहाँ पे उसी प्रोसेस को फॉलो करके मेरी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आके किसी भी वीडियो के अंदर आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, इस तरह से लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, शेयर का बटन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास भी यहाँ पे उसी तरह से बहुत सारा ऑप्शन खुल कर जाएगा। आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे जो स्नैक मैसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। लेकिन उस वीडियो के अंदर आपने देखा है, उसके अंदर यहाँ पे एक स्मोकिश टाइप का इफेक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत वायरल हो गया है और अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। अभी आपको यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्ड है उसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको आपकी काइनमास्टर के अंदर आना है। अगर आपको काइनमास्टर के बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, काइनमास्टर जो है मोबाइल की सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। लगभग हर शॉर्ट वीडियो क्रिएटर या फिर यूट्यूब वीडियो क्रिएटर जो अपने मोबाइल से ही अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, उन सारे लोग काइनमास्टर की मदद से अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। अगर आपकी काइनमास्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी काइनमास्टर के अंदर वाटरमार्क आता है या फिर आपकी काइनमास्टर के अंदर मीडिया ऑप्शन शो नहीं होता है, ग्रीन स्क्रीन काम नहीं करता, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को लेकर मैं एक वीडियो बना के अपने चैनल के अंदर पोस्ट करके रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो को भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। काइनमास्टर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो करना है, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो मीडिया का ऑप्शन दिखा दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर आके ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा इस तरह से खींच के बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन दिखा दे रहा है लेयर का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपने रिकॉर्ड किया है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे इस वीडियो की इस पोजीशन पे आ जाना है जहाँ पे आप स्नैक मैसेज के ऊपर क्लिक करते हो। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो वीडियो की क्लिप है उसके ऊपर टच करना है। टच करने के बाद आपको यहाँ पे कांची के ऊपर क्लिक करके स्ट्रीम टू राइट ऑफ प्लेहेड के ऊपर क्लिक करके बाकी फुटेज को काट देना है। काटने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे उस स्मोकी वाली जो फुटेज है उसे यहाँ पे लेकर आना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से लेयर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इस फुटेज को अपने हिसाब से यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद आपकी वीडियो भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे शेयर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस फुटेज को आप अपनी मोबाइल के अंदर सेव कर लेना और सेव करने के बाद इस वीडियो को आप जाके स्नैक वीडियो के अंदर हो या फिर दूसरे किसी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर जाके इसे पोस्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नए नए वीडियो को देखना चाहते हो तो आप टेक्निकल शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आगे चल के इससे भी बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो नया नया वीडियो आने वाला है उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चले जाए। तो चलिए मिलते हैं आगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।